रहेगा तब तक उठ जरा जिस सूर्य का परिचय करा संसार को। और आज ये परिचय आप इस पूरे समागम के अंदर देख रहे हैं कि किस तरीके से समागम हमारा खचाखच महिलाओं की संख्याओं से भरा हुआ है, क्योंकि आज मेरा भारत जाग उठा है, आज भारत की नारी जाग उठी है। एक ही धुन हो रही है कि हर हर मोदी, हर घर मोदी। मोदी जी जो है उनके साथ हजारों महिलाओं का, यानी कि हजारे बहनों का और हजारी माओं का आशीर्वाद है उनके साथ। मोदी जी का नारा है अपनी बार 400 बार, तो ये नारा जो है उनका ये साकार होगा। और यहाँ के जो हमारे प्रत्याशी हैं भाई डॉक्टर अशोक तंवर, वो 4 लाख वोटों से विजयी बनेंगे। और विजयी बनाने के लिए हमारी महिला मोर्चा की पूरी मातृत्व शक्ति अपना पूरा जोर लगा। आप देख रहे हैं समाचार, मैं हूँ एलडी स्वामी और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ सिरसा के बेगू रोड से रिडी सीडी पैलेस की, जहाँ पर महिलाओं का एक नारी सम्मेलन जो है यहाँ पर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और यहाँ पर जो है महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन और उषा प्रियदर्शनी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश से वो यहाँ पहुँची है, और गायत्री देवी प्रदेश महामंत्री हरियाणा की वो भी यहाँ पर पहुँची है, और सिरसा जिला की जनरल बॉडी की जिला अध्यक्ष नीताशा सियाग भी यहाँ पर मौजूद है, नेहा मित्तल जो कि फतेहाबाद से जिला अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और ये कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो भावना शर्मा जो कि महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। आपको तस्वीरें जो है वो रिंडी सिद्धी पैलेस से महिला सम्मेलन की दिखा रहे हैं, जहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाओं ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। एक तरह से राजनीति में महिलाओं की जो है भागीदारी उतनी ही होती है जितनी पुरुषों की होती है, और वोटों की संख्या की बात करें तो लगभग समान संख्या में महिलाएं होती है। तो इस तरह से बीजेपी का महिलाओं के साथ बड़ा सम्मेलन करना कहीं ना कहीं संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती की ओर लगातार बढ़ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस जो है एक भी बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाई है, वहीं दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के हर वर्ग के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें युवा सम्मेलन भी हुआ और इसके अलावा नारी सम्मेलन की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ऐसी मोर्चा का सम्मेलन भी यहाँ सिरसा जिला में जो है वो भारतीय जनता पार्टी करने में अभी कामयाब हो चुकी है। हर विधानसभा लेवल पर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, नारी सम्मेलन, इसके अलावा युवाओं के सम्मेलन, कितने सम्मेलन जो है भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। हालांकि दूसरी तरफ कोई भी पार्टी जो है एक भी बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाई है। चलिए इस कार्यक्रम में आई हुई महिलाओं से बातचीत करते हैं। देखो, महिलाओं के लिए किसी भी पार्टी ने अभी तक 70 साल हो गए सोचा नहीं था। और माननीय मोदी जी की सरकार ऐसी सरकार आई है जिसने महिलाओं के बारे में क्या क्या नहीं सोचा। 3 तलाक यानी कि उन्होंने धर्म से ऊपर उठकर सोचा महिलाओं, कोई भी महिला हो, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की हो, उन्होंने जो महिलाओं के लिए योगदान दिया है वो मतलब अनफॉरगेटेबल है, उसको कभी कोई महिला भूल नहीं सकती, वो उनका कर्ज कोई महिला उतार नहीं सकती। क्योंकि 30% आरक्षण इलेक्शन में देना सिर्फ बातें तो सब बना देते हैं, बट उसको रियल में देना नोटे जो बिग अचीवमेंट फॉर लेडीज। और उसके बावजूद अगर लेडीज इस बात को भूलती हैं तो ये न्याय संगत नहीं है। दूसरा, महिलाओं के लिए 3 तलाक और क्या क्या जो ऐसे पॉइंट हैं जो मतलब देखो स्कूलों में, हमारे हरियाणा के स्कूलों में मैं जानती हूँ कि बच्चियों के लिए कितनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं आई हैं, वो तो चलो बिना स्कूल भी आई है, बट स्कूलों में स्पेशली स्वच्छता के लिए जो बेड भिजवाए गए हैं, मतलब क्या कहाँ तक मोदी जी की सोच नीचे से ऊपर तक। जी, दूसरी पार्टियां जो है एक बड़ी रैली नहीं कर पाई, लेकिन इसके विपरीत भाजपा जो है वो बड़े बड़े कार्यक्रम की रहे हैं, युवाओं के हो रहे हैं, महिलाओं के अलग से हो रहे हैं, कितना फायदा मिलेगा इलेक्शन में? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आज महिला सम्मेलन है, जब किसी राष्ट्र की महिला उनके सामने आती है तो इसका मतलब ये है कि वो महिला अकेली नहीं जागी है, वो पूरा राष्ट्र जागा है। आज पूरा भारत एक ही धुन में है, जय जय भारत, जय जय भारत, मोदी नय भारत, भगवा भारत, जय हिंद भारत। क्यों? क्योंकि जब एक भारत की महिला जागी तो उसके साथ संपूर्ण राष्ट्र जागा, संपूर्ण विश्व जागा। जब बात भारतीय जनता पार्टी की आती है तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्येक कार्यकर्ता है वो
करेगा तब तलक उठ जरा सूर्य का परिचय करा संसार को। और आज ये परिचय आप इस पूरे समागम के अंदर देख रहे हैं कि किस तरीके से समागम हमारा खचाखच महिलाओं की संख्याओं से भरा हुआ है, क्योंकि आज मेरा भारत जाग उठा है, आज भारत की नारी जाग उठी है, एक ही धुन हो रही है कि हर हर मोदी हर घर मोदी। अब की बात 400 पार का नारा यूं ही नहीं दिया, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि मेरा विश्व जो है वो एक ही धुन में है आज भारत को जिताने के लिए। तो जय हिंद जय भारत। आज का जो कार्यक्रम है महिला सम्मेलन है, चुनाव के दौरान जो है महिला जो मोर्चा है वो सम्मेलन कर रहा है, कितनी सफलता चुनाव में मिलेगी? बिल्कुल, जैसे कि मोदी जी का नारा है अब की बार 400 बार, तो ये नारा जो है उनका ये साकार होगा। और यहाँ के जो हमारे प्रत्याशी हैं भाई डॉक्टर अशोक तावर, वो 4,00,000 वोटों से विजयी बनेंगे। और विजयी बनाने के लिए हमारी महिला मोर्चा की पूरी मातृत्व शक्ति अपना पूरा जोर लगा रखी है। तो एक कांग्रेस की प्रत्याशी भी महिला है, क्या कैसे? जी मतलब बहन शैलजा, बस अब किसी और पार्टी के बारे में क्या कहना, हम अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और हम अपनी मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। हमें कमल के फूल को जिताना है, केंद्र में मोदी को लाना है और अपने सिरसा में अब भाई अशोक तावर जी को जिताना है। धन्यवाद धन्यवाद। महिलाओं को क्या खास सुविधाएं मिलती है मोदी सरकार में? देखो आज तक जो लेडीज क्या करती थी कि धुएं से उनकी आंखों को जो इफेक्ट पड़ता था, उनकी आंखें खराब होने का जो डर था, तो मोदी जी ने सबसे पहले ही आते उनको क्या काम किया, उज्ज्वला योजना दी, ठीक है, लाइट दी, उन सड़कें आप चौकों के विकास आप देख रहे हो आज, हर तरफ महिलाओं को 0 बैंक खाता से योजना शुरू करवाई। और मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा काम किया है और उम्मीद करते हैं कि अब तीसरी बार भी जब मोदी जी की झोली में हम ये शीट जिता करके भेजेंगे। जिला अध्यक्ष भी महिला है, अलग से इफेक्ट है सिरसा में इस चीज का? बिल्कुल है, उन्होंने मतलब एक संगठन को एक ऊंचाई पे लेके जाने का काम किया है। संगठन आज देखो हमारे किसी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी में कोई वैर भाव नहीं है, एक महिला ही क्या कर रही है, सबको अग्रसर लेकर के चल रही है। महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्ष है वो तो महिला है ही है, लेकिन एक जिले की जो महिला अध्यक्ष है वो हमारी निताशा झगड़ा की सिहाग जी है, जो बहुत ऊंचे स्तर पर बहुत बढ़िया स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे भाजपा को और हमारे जो वोटर्स हैं उनको एक साथ लेकर के चलने का काम कर रही है। महिला सम्मेलन, तो आज हमारे महिला सम्मेलन के कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, जिला अध्यक्ष जी आ रहे हैं, समस्त टीम आ रही है और हमारे जो गांव-गांव से बहने चलकर आ रहे हैं उनके लिए हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत। जो हमारे एक छोटे से संदेश पर हमारी इतनी महिलाएँ चलकर आई है और हमारी ये पार्टी जो है वो पार्टी नहीं एक परिवार है, हमारा संगठन जो है वो एक परिवार है जिसने हमारी महिलाओं को इतना सम्मान दिया, इतना मान दिया, तो हम अपने भाजपा के साथ भाजपा परिवार